वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड एट योर होम। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ मीसेल फॉर्मेशन एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ओके, सो देर आर वेरियस मेथड फॉर प्रिपेरिंग कोलॉइड्स सच एज केमिकल मेथड्स एंड ब्रेडिंग आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन मेथड। केमिकल मेथड सच एज डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड्स। ओके, सो वी डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन। द फर्स्ट वन मेथड इज डबल डिकम्पोजिशन। बाय डबल डिकम्पोजिशन वी कैन गेट सोर्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। ओके, सो आर्सेनिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स आर्सेनिक सल्फाइड एज अ सोल एंड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर। ओके, एंड इन द सेकेंड वन ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स सल्फर सोल एंड वॉटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो वी कैन प्रिपेयर सल्फर सोल बाय ऑक्सीडेशन मेथड। एंड द थर्ड वन रिडक्शन। बाय रिडक्शन मेथड वी कैन प्रिपेयर गोल्ड सोल। ओके, ऑरिनियम जिसे हम कहते हैं ऑरियम क्लोराइड जो है रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड और वॉटर मॉलिक्यूल से टू गिव ऑरियम सोल और गोल्ड सोल एंड फॉर्मिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो वी कैन प्रिपेयर गोल्ड सोल बाय रिडक्शन ऑफ ऑरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक फॉर्मेल्डिहाइड एंड वॉटर। ओके, द थर्ड वन इज फोर्थ वन इज हाइड्रोलिसिस एंड वी कैन प्रिपेयर फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलॉइड्स बाय दिस प्रोसेस। ओके, बाय दिस रिएक्शन when ferric chloride reacts with water molecule it gives ferric hydroxide and three molecules of hydrochloric acid. So by these chemical methods such as double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis we can prepare various colloids. Okay, now moving on the second method of preparation of colloids. This is electric disintegration or Bradyck's arc method. This process involves dispersion as well as condensation process. Colloidal salts of metals such as gold, silver, platinum can be prepared by this method. Okay, and in this process an electric spark is struck in between electrodes which is immersed in this dispersion medium. Okay, so ek electric spark electrodes ki help se struck kiya jata hai in between dispersion medium jisme kya hai aapka jo electrodes hai wo kya hai metals ke hai metal ke electrodes ke beech mein electric spark ko introduce kiya jata hai jo ki dispersion medium mein kya hai immersed hai usme डिप है पूरा डिप्ड है। ओके, नाउ एन इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट वेपराइजेस द मेटल। एक इंटेंस हीट उस इलेक्ट्रिक स्पार्क से प्रोड्यूस होती है जो मेटल को क्या कर देती है वेपराइज कर देती है। देन विच देन कंडेंस देन उसके बाद वो कंडेंस हो जाता है कंडेंस इन स्मॉल पार्टिकल्स और कोलाइडर साइज और वो उसके बाद क्या हो जाती है जो वेपर है मेटल की वो कंडेंस हो जाती है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और कोलाइडर साइज। सो दिस इज द सेकंड मेथड कॉल्ड ब्रेडिक आर्क मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कोलाइड्स ऑफ मेटल्स सच एज सिल्वर एंड गोल्ड एंड प्लैटिनम। ओके, नाउ मूविंग ऑन द थर्ड वन मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कोलॉइड्स इज पेप्टाइजेशन। ओके, सो बाय पेप्टाइजेशन मेथड वी कैन प्रिपेयर कोलॉइड्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate PPT into colloidal salts by shaking it with
small amount of electrolytes is called peptidization. Okay, so the process of converting freshly prepared precipitate, abbreviated as PPT, into colloidal salts by shaking it with a small amount of electrolytes is called peptidization. Okay, we can prepare colloidal salts of freshly prepared precipitate by this method. Okay, and the electrolyte, used in this method is called peptizing agent. So small amount of electrolyte used in this process is called peptizing agent. Okay, so by this method, we generally use this method for converting freshly prepared precipitate into colloidal salts. Then how these freshly prepared precipitate convert into colloidal salts? During peptidization, precipitate absorb some ions of electrolytes on its surface. Okay, and then it develops positive or negative charges on precipitate, which ultimately break up into smaller particles of colloidal size. Okay, so during peptidization क्या होगा, जो precipitate होगा वो absorb करेगा electrolytes के ion को and then develop a positive or negative charge on precipitate, जिसकी वजह से precipitate पर positive और negative charge क्या होगा, develop हो जाएगा and ultimately क्या हो जाएंगे, जो breakup हो जाएंगे into smaller particles of colloidal size. So this is the method of peptidization by which we can prepare colloidal salts of freshly prepared precipitate by shaking it with small amount of electrolytes. Okay, so there are three methods for preparing colloids: some chemical methods involving double decomposition, hydrolysis, oxidation and reduction, and the second one method, electric disintegration or Bradyk arc method, by which we can prepare colloidal salts of metals such as gold, silver and platinum. And the third one method is peptidization, through which we can prepare colloidal salts of freshly prepared precipitate by shaking them with small amount of electrolytes. Okay, so that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.